Hello friends, welcome to Gates Meshes. The topic is problems with the classful IP addressing. In classful IP addressing, the first and very important problem is wastage of IP addresses. Why there is a wastage of IP addresses? In class A, we have already discussed in the class A that number of hosts in each network is 2^24, which is very huge number, more than 1 crore. The number is very huge. अब यहाँ पे अगर मेरे पास बड़ी से बड़ी MNC की भी बात करें, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास भी इतने नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में देर आर 2^16 नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, विच इज नियर अबाउट, approximate value is 65,000. अब यहाँ पे भी अगर बात करें, 65,000 is also very huge value, but although it is moderate, means there are lot of organizations which can use this, but this is very huge. और यहाँ पे अगर मैं class A में network की बात करूँ, there are very limited network of class A because there are only 126 networks possible in class A. But हर एक network के अंदर more than 1 crore number of होस्ट कैन बी पॉसिबल. क्लास सी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क कैन बी 256, विच इज अ वेरी लेस नंबर. मतलब यहां पे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है. सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई अगर मेरे को आके बोल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक्चुअली पर्सन अगर मेरे को बोल रहा है कि आई नीड लेट से 1024 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस. अब इतने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास क्या सलूशन है? या तो मैं क्लास सी का एड्रेस देता हूं, क्लास सी में इनसफिशिएंट है बिकॉज क्लास सी में बहुत कम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है. और अगर क्लास ए की बात करूंगा तो अगर मैं उसको क्लास ए या क्लास बी का एड्रेस देता हूं तो उसको तो सिर्फ 1000 चाहिए, लेकिन अगर क्लास बी का देता हूं तो बाकी के 64,000 जो है वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो जाएंगे. और अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस देता हूं तब तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं. तो यहां पे मेरे पास आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज तो है ही है. एज अलोंग विद दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो. मतलब यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग हम आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे. ऑलरेडी हमने पहले ही हमने मैनुअली कट कर रखे हैं कि इसको इतने आईपी एड्रेसेस है, इसमें इतने, इस क्लास में इतने, जो यूजर मेरे को आके बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा हूं. लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे आईपी एड्रेसेस मेरे क्या हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं. ऑलरेडी अगर मैं क्लास डी और क्लास ई की बात करूं तो क्लास डी और क्लास ई में, क्लास डी में 2^28 नंबर ऑफ जो आईपी एड्रेसेस हैं वो वेस्ट कर दिए बिकॉज ऑफ मल्टीकास्टिंग. और क्लास ई में भी 2^28 नंबर ऑफ होस्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस. तो मतलब नियर अबाउट 500 करोड़ के जो नंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे रिजर्व या काइंड ऑफ वेस्टेज कर रखे हैं. तो इसीलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लासफुल एड्रेसिंग में वो क्या है, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसिंग. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनेंस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ऑल्दो बिकॉज मेरे पास अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है मेरे पास तो इतने बड़े नेटवर्क में देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस कहां पे होगी, छोटे नेटवर्क्स में पॉसिबल है. इस मेंटेनेंस को हम रिमूव करने के लिए, मतलब मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम करने के लिए हम यहां पे सबनेटिंग का फंडा यूज कर सकते हैं. सबनेटिंग क्या करता है, लॉजिकली डिवाइड कर देता है बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में. तो छोटे नेटवर्क को मेंटेन करना जो है वो इजी होता है एज कंपेयर टू बिग नेटवर्क. मोर प्रोन्स टू द एरर्स. अगेन वही प्रॉब्लम है कि अगर इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर की प्रॉब्लम आती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक फर्स्ट, और ट्रैक करने के बाद उसको ठीक करना प्रॉब्लम को, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. और बड़े नेटवर्क में ऑब्वियसली देयर विल बी अ मोर चांसेस ऑफ एरर्स. अदर देन दिस,
देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द सिक्योरिटी ऑल्सो. मतलब जितना बड़ा नेटवर्क होगा वहां पे मेरे पास ऑथराइजेशंस और ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज अनऑथराइज्ड यूजर विल ट्राई टू एक्सेस द सिस्टम. मतलब सिंपल से अगर बात करूं, अगर मेरे पास जितना बड़ा घर होगा मेरा तो उतने मेरे पास ज्यादा क्या है वर्नेबिलिटीज, लूप होल्स ज्यादा बन जाते हैं कि कोई थीफ जो है वो घर के अंदर एंटर कर सकता है. लेकिन जितना मेरे पास नेटवर्क छोटा है उतना ही मेरे जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क छोटा लो. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है बड़े नेटवर्क की तो बड़ा नेटवर्क ही लेना है. लेकिन उस बड़े नेटवर्क को लॉजिकली जो है हम सब नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे जो एडवांटेज मिल जाती है मेरे पास ये वाली कि मेंटेनेंस भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहती, एरर्स भी जो है वो मेरे कम हो जाते हैं, सिक्योरिटी जो है वो भी मेरे पास ज्यादा प्रोवाइड हो जाती है. लेकिन यहाँ पे क्लासफुल में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है. और अगर मैं बात करूँ वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, इसके लिए भी मैं सबनेटिंग का फंडा यूज कर सकता हूँ या फिर क्लासलेस एड्रेसिंग जो है वो, दैट इज द बेस्ट पॉइंट. कि अगर यूजर बोल रहा है मेरे को 1024 नेटवर्क ही चाहिए, मतलब 1024 आईपी एड्रेस चाहिए, तो क्लासलेस क्या बोलता है, तेरे को 1024 ही मिलेंगे, ना तो एक भी ज्यादा ना एक भी कम. मतलब दैट विल एग्जैक्टली गिव द वैल्यूज वट एवर यूजर डिमांड. तो इसीलिए आप क्लास लेस को यूज कर सकते हो बिकॉज दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द आईपी एड्रेसेस. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स दैट अकर्स इन द क्लासफुल एड्रेसिंग. थैंक यू.